हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव कुश फिटनेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाया हूँ, कार्डियो वर्सेस वेट ट्रेनिंग। तो दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सा बेटर है, किसके लिए, किसको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारी एनएरोबिक एक्सरसाइजेस में आती है। एनएरोबिक एक्सरसाइज वो होती हैं जिसमें आपको ऑक्सीजन की इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपके मसल्स में जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी स्टोर होता है, आप उसको यूज़ करते हो इंस्टेंट एनर्जी, इंस्टेंट पावर जनरेट करने के लिए और अपना काम करने के लिए। वेयर एज कार्डियो जो होती है, आपकी एरोबिक एक्टिविटी होती है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए, आपकी ब्रीदिंग और हार्ट रेट फास्ट होता है, उसको हम कार्डियो कहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमारी आपकी लिफ्टिंग फ्री वेट्स आता है, जो कि है बारबेल है, डंबल है, केटल बेल्स है, या आपकी वेट मशीन्स हैं। कार्डियो में आपका बेसिकली मैक्सिमम लोग कार्डियो को रनिंग समझते हैं, लेकिन रनिंग के अलावा आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका हार्ट रेट फास्ट होता है, ब्रीदिंग फास्ट होती है, जैसे आपकी स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, या फिर जुम्बा क्लासेस अगर आप ज्वाइन करते हैं, या नॉर्मल डांस भी करते हैं, तो ये सब आपका कार्डियो में आता है। तो इन दोनों में से कौन सा वेट लॉस ज़्यादा करता है? देखिए, अगर आपको स्ट्रेटजिकली अपना फैट कम करना है तो आपको मसल रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को आपकी शेड्यूल में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से आपकी मसल्स इंक्रीज़ होती हैं, लीन मसल मास बॉडी में बढ़ता है। और लीन मसल मास बॉडी में बढ़ने से फ़ायदा क्या होता है कि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, जो कि आपका फैट जो है या फिर एनर्जी कंजम्पशन रेस्ट में भी आपका ज़्यादा बर्न होती है। कार्डियो में क्या होता है, आपका कार्डियो जब आप करते हैं तब आपकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बर्न होती हैं, इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग से भी ज़्यादा आप बर्न कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज के बाद आप कोई कैलोरीज बर्न नहीं करते, जो कि आपका फ़ायदा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, कि आप अगर बैठे भी हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो भी आपकी एनर्जी आपकी कैलोरीज बर्न होती रहती, क्योंकि आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। कार्डियो के केस में रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। कार्डियो बेसिकली आपका हार्ट हेल्थ और एंड्योरेंस के लिए हेल्पफुल होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपके जो 100 मीटर स्प्रिंट करते हैं, उसैन बोल्ट वगैरह हो गए, इनका आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें, इनमें मसल मास बहुत ज़्यादा होता है। वेरस कार्डियो का आपको एक एग्जांपल है, जैसे जो लॉन्ग मैराथन रनर्स होते हैं, उनमें आपको बहुत ज़्यादा मसल मास नहीं दिखता, बहुत ही लीन होते हैं, तो उनका मसल मास भी कम होता है और फैट भी कम होता है। वेट ट्रेनिंग जो करते हैं उनमें मसल मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ कार्डियो करते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके वेट ट्रेनिंग के, लेकिन एक जो बहुत मेजर फ़ायदा है आपका, आपकी बोन डेंसिटी बनी रहती है, आपका मसल मास बना रहता है। तो मसल मास ज़्यादा होने से आपके डेली एक्टिविटीज़ आपके लिए ईजी हो जाती हैं और वो आपके बॉडी वेट को या स्ट्रेस को कम करती हैं, तो आर्थराइटिस या कोई भी अगर इंजरी आप प्रिवेंट करते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में। कार्डियो के सीन में ऐसा नहीं है, आप अपने हार्ट हेल्थ को मैनेज करते हैं तो वो आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा कर देता है, एंड्योरेंस बढ़ा देता है। मतलब जनरल आप सीढ़ी चढ़ेंगे, 2-3 फ्लोर अगर आप चढ़ते हैं, अगर आपकी सांसें तेज़ होती हैं तो अगर आप कार्डियो रेगुलर करेंगे तो ये सब दिक्कतें नहीं होंगी, मतलब आपका स्टेमिना इन द सेंस बूस्ट हो जाता है, बट स्ट्रेंथ आपकी नहीं बढ़ती उसमें। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कितनी करनी चाहिए एक हफ्ते में? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम से कम 3 से 5 बार आपको करनी चाहिए पूरे वीक में, मिनिमम आधे घंटे की, जिसमें आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होना चाहिए। और कार्डियो आपका डेली कर सकते हैं 6 दिन 30 मिनट्स मिनिमम, वो आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में वेरिएशंस बहुत होते हैं, आप वर्कआउट को अपने ऑल्टर कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग होती है, तो जिसमें आपकी बॉडी को गेंस मिलते रहते हैं लगातार। कार्डियो में आप ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते, अगर आपको कार्डियो में अपने लेवल बढ़ाना है, या तो आपको जैसे अगर रनिंग करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, या तो उसका क्या कहते हैं, थोड़ा सा आपको मतलब रनिंग और या फास्ट करनी पड़ेगी, तभी आपके मतलब आपको चेंजेस दिखेंगे बॉडी में। वरना कुछ दिनों बाद कार्ड मतलब अगर आप सेम डिस्टेंस लगातार दौड़ रहे हैं
तो कुछ एक आध दो हफ्ते के बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी, आपको वो इजी लगने लगेगा। तो उसको आपको बढ़ाने के लिए आपको या तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा या तो उसी डिस्टेंस को कम टाइम में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसमें क्या है, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक्सरसाइज बहुत सी ज़्यादा होती हैं, वेरिएशंस बहुत से होते हैं, आपने रेप्स बढ़ा दिए, रेस्टिंग टाइम कम कर दिया, लोड बढ़ा दिया, मतलब तो इस तरीके से इसमें वेरिएशंस ज़्यादा होते हैं। तो बेटर दोनों में कौन है? बेटर देखिए आपके अपने गोल्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप एंड्योरेंस या उस तरह के एथलीट हैं तो आपके लिए कार्डियो ज़्यादा बेटर होता है, और अगर आप सिर्फ आपको स्ट्रेंथ और साइज़ अपना गेन करना है तो ओवरऑल तो आपके लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा आप दोनों अपने शेड्यूल में इंक्लूड करें, क्योंकि आपका मसल भी गेन होगा और फैट लॉस के हेल्प भी मिलेगा कार्डियो से, तो आप ओवरऑल रिब्ड लीन हो जाएंगे और आपका हार्ट हेल्थ भी अच्छा रहेगा और आप अच्छे भी दिखेंगे। तो आपको दोनों इंक्लूड करना चाहिए। और करना क्या है कि आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, देन कार्डियो करना चाहिए अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट लेना है इन दोनों का। तो फ्रेंड्स, ये मेरा क्विक वीडियो था, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्सेस कार्डियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और जो लोग वीडियो सब्सक्राइब जो लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।